सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेम टेक्स्ट्रा चैनल को और बेल आइकन का साथ में दबाना। हेलो गाइस, वेलकम टू द फेम टेक्स्ट्रा चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी का जो नया फोन लॉन्च होने वाला है। तो इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F02S। तो मीन्स कि इस फोन का जो नेम ही इतना ज्यादा यूनिक सा है। तो लास्ट के बीच में हमें इसमें क्या देखने को मिलेंगे, तो गेमिंग के लिए एंड फोन को यूज करने के लिए हमें क्या इसके बीच में फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यार, फोन को हम तभी बाय करते हैं जब हमें फोन का बजट एग्जैक्टली सही लगता है। तो फोन के बीच में हमें अगर प्रोसेसर बढ़िया मिलता है, तो फोन के अगर हमें कलर्स की या कैमरे की बात करें तो कैमरा हमें अच्छा मिलना चाहिए, वो भी कम रेंज के बीच में। तो इस फोन का जो बजट होने वाला है वो बहुत ही कम होने वाला है। तो गाइज, जब आप इसका प्राइस सुनोगे ना, तो आप भी गाइज कहोगे कि यार इस फोन को मैं तो बाय करूंगा। तो बने रहिए गाइज वीडियो के बीच में। तो गाइज, मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हो हमारा चैनल फेम टेक्स्ट्रा। तो चलिए आज के इसी धमाका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे गाइस जानते हो कि हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है। क्या होता है? इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर गाइस मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ तो इस फोन की जो डिस्प्ले होने वाली है, तो डिस्प्ले आपको कैसी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की बहुत ही स्मूथ चलने वाली डिस्प्ले मिलेगी। वो भी ये वाली जो डिस्प्ले है, ये IPS LCD डिस्प्ले होने वाली है। और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 720x1920 पिक्सल के बीच में आपको इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। और टच स्क्रीन गाइस बहुत ही स्मूथ चलने वाली है इस फोन की। और यहाँ पर इस फोन के बीच में आप गेमिंग के रिलेटेड गाइस मैं प्रोसेसर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर गाइस आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450। जी हाँ गाइस, ये आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का देखने को मिलेगा। तो फाइनली आप पबजी इसमें खेल सकते हो, वो भी GFX लगाकर खेलनी पड़ सकती है। और यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी CPU की, तो यहाँ पर आपके लिए गाइस CPU ये बहुत ही मायने रखता है। जैसे आप जानते हो कि यार जो CPU होता है, CPU के बगैर यार हमारा जो फोन है वो मूवमेंट कहाँ करेगा यार। तो ओक्टा कोर का हमें यहाँ पर CPU मिलता है, वो भी 1.8 GHz कोर्टेक्स A53 का। तो यहाँ पर GPU की बात करूँ तो Adreno 506 का। तो अब नेक्स्ट बात आती है इसके बीच में, हमें इंटरनल स्टोरेज कितनी मिलेगी, तो रैम कितनी मिलेगी। तो इस फोन में गाइस जो आपको रैम देखने को मिलेगी वो होगी 6GB रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, और इसके बीच में एक्सपेंडेबल गाइस जो इसके बीच में होने वाली है वो है 500GB तक की। इसके बीच में आप SD कार्ड डाल सकते हो, मीन्स कि ये आपको इसके बीच में देखने को मिलता है। और कॉल रिकॉर्डिंग गाइस जितनी मर्जी करो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग आपको इसके बीच में गाइस आपको मिलता है, एक बढ़िया सा फीचर। तो अब बात करते हैं इसके बैक के कैमरास की। तो 13 MP का बैक का कैमरा फर्स्ट वाला आपको देखने को मिलेगा, और सेकेंड वाला 2 MP का, और थर्ड वाला 2 MP का ट्रिपल कैमरा विद LED फ्लैश के साथ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की, तो 5 MP का देखने को मिलेगा। सुनने में जरूर पिक्सल आपको कम लग रहे हैं, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं है, जब फोटो खींचोगे आपको मजा ही आ जाएगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग की मैं बात करूँ तो 2160 वो भी 30 FPS के बीच में बना सकते हो, और 1080 पिक्सल के बीच में 30 FPS के बीच में वीडियो बना सकते हो। तो कैमरा फीचर्स के रिलेटेड यहाँ पर HDR का आपको साथ में ऑप्शन मिलेगा। तो ऑल कैमरास के बीच में गाइस बेस्ट आपके लिए है इसके बीच में ये वाले फीचर्स। तो यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इस फोन के बीच में क्या मेन चीज कि हम गेम इसके बीच में बढ़िया खेल पाएंगे। यस, बिल्कुल आप बढ़िया खेल पाओगे। आप एक बार इस फोन को बाय जब करोगे ना, तो आपको इसके बीच में परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी, वो भी प्राइस के हिसाब से आपको लगेगा जितना आपका है। आपको मैं ये प्राइस बताने वाला हूँ। यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 11 का मिलेगा, कस्टम UI सैमसंग गैलेक्सी 1 UI का देखने को मिलेगा, और डिवाइस टाइप गाइस बहुत ही अच्छा है ये वाला डिवाइस। तो यहाँ पर एंड्रॉइड के रिलेटेड गाइस आईफोन के रिलेटेड मैं बताऊँ तो आईफोन तो यार आईफोन ही है, आईफोन अगर लोगे तो आपको सस्ता नहीं मिलेगा, एंड्रॉइड फोन आपको सस्ते मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब बात आ गई है इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर आपको बैटरी कितनी देखने को मिलेगी, क्योंकि फोन को यूज करने के लिए हमें बैटरी ज्यादा चाहिए होती है। तो इसलिए यार हमारे माइंड के विषय आता है कि हमें बैटरी कितनी देखने को मिलेगी। तो
तो बिग सरप्राइज फॉर यू। तो यहाँ पर 6000 mAh की आपको इस बैटरी देखने को मिलेगी नॉन रिमूवल, मींस कि आज की टाइम के बीच में आपको जो बैटरीज देखने को मिलती है वो निकलती नहीं है, वो फिक्स होती है उसके बीच में, 6000 mAh की बैटरी। तो गाइस बहुत ही अच्छी बात है यार आपके लिए, 6000 mAh की बैटरी आपके तो यार लॉटरी लग गई है हिसाब की। और यहाँ पर अब बात करूँ तो यार फोन कौन सा होने वाला है, ये वाला फोन होने वाला है कौन सा होने वाला होगा, 5G। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 5G स्मार्टफोन ये वाला होने वाला है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, ग्यूरो सेंसर मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलेगा, कंपास सेंसर मिलेगा, फेस अनलॉक तक का इसके बीच में हमें सेंसर देखने को मिलेगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, वाओ। और यहाँ पर गाइस मैं बात करूँ तो ऑडियो की, तो ऑडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चलने वाली है। तो बात आ गई है इसके प्राइस की, सैमसंग गैलेक्सी F02S के प्राइस की। तो फाइनली गाइस अब बात प्राइस की आ गई है, तो मुझे मालूम है कि यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। तो यहाँ पर गाइस इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 7999 rupees। तो बेस्ट ऑफ लक यार, 7999 rupees के बीच में आपको ये वाला फोन मिलेगा। तो गाइज अगर आपको प्राइस अच्छा लगा तो इस वीडियो के बीच में गाइज आपको इस फोन के फीचर्स अच्छे लगे, तो आपको अगर कुछ लगा कि हमने कुछ आपको नॉलेज दिया तो आपका कुछ फायदा हुआ है तो आप इस फोन को बाय करोगे, आपको सब कुछ इसमें बढ़िया मिलता है। तो प्राइस के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इसके बीच में फीचर्स हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। तो आप जानते हो यार हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा ही लेकर आते रहते हैं, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तो बाय बाय।